स्टूडेंट्स अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमारी नेक्स्ट टर्म है सेल्स। हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में परचेजेस पे अपनी बात को स्टॉप किया था, तो लेट्स स्टार्ट सेल्स। सेल वर्ड इतना कॉमन वर्ड है आपकी डे टू डे लाइफ में, आप सबको सेल का मतलब पता है। मुझे तो आज सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज में सेल का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है, तो देखिए समझते हैं। अब पेपर में अगर आप ये लिख के आएंगे सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स, सेलिंग गुड्स, नो बॉडी इज गोइंग टू गिव यू एनी मार्क। तो इसकी जो प्रॉपर टेक्निकल जो लैंग्वेज इसके लिए यूज की जाती है उसको समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स टू कस्टमर। इधर देखिए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, आप इस विजुअल में देखिए, ये बिजनेस का सीन है, ये बिजनेस प्लेस है हमारा, और ये गुड्स हमने सेल किए और इनको तो आपने पहचान ही लिया। ये हमारी पिछली प्रेजेंटेशन में कौन है, मिस्टर विकास को आपने पहचान लिया। सॉरी नॉट मिस्टर विकास, इट इज मिस्टर संजय। मिस्टर विकास तो वो सूट वाले थे, राइट। ये मिस्टर संजय आपने इनको पहचाना, जो हमसे गुड्स खरीदते थे क्रेडिट पे, याद आया आपको, कैश पे भी खरीद सकते थे क्रेडिट पे भी खरीदते। तो एक बात बताइए, जब तक ये गुड्स मिस्टर संजय ने ऑर्डर नहीं किए थे इनका ऑनर कौन था, ये बिजनेस। और उसके बाद वो गुड्स किसके पास चले गए, मिस्टर संजय ने फोन पे कहा, वो सैंपल भेजा था, व्हाट्सएप किया था, वो गुड्स मुझे भेज दीजिए। तो इसका मतलब वो गुड्स हमने इनको सेल कर दिए। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स टू, अब बताइए ये गुड्स फोन पे ऑर्डर कंफर्म हो गया तो इसका मतलब ये बिजनेस से गुड्स कहाँ चले गए, मिस्टर संजय के पास, जो कि जिनको हम गुड्स सेल करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हमारा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब इसकी ऑनरशिप किसके पास चली गई, मिस्टर संजय के पास। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सिंपल सा वर्ड है। पहले ऑनर कौन था, बिजनेस, अब ऑनर कौन है, मिस्टर संजय। तो ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ, किसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, गुड्स की। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स। इसमें एक वर्ड और ऐड करना बहुत जरूरी है, टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। फॉर अ प्राइस का क्या मतलब है, हमने मिस्टर संजय को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। अगर मिस्टर संजय ये जो पर्सन है ये हमारा कोई फैमिली फ्रेंड होता, कोई रिश्तेदार होता, रिलेटिव होता, तो हमने इनको गुड्स वैसे ही उठा के दे दिए थे, फिर वो ड्रॉइंग्स में चला जाता। यहाँ पे उन्होंने हमको पैसे दिए हैं, प्राइस दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स। एक बात मैं यहाँ पे बड़ी अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, ऑर्डर कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया, तो मतलब गुड्स सेल हो गए। ये चाहे गुड्स अभी हमारे गोडाउन में पड़े हैं लेकिन वो सोल्ड है, तो सेल के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, मिस्टर संजय ने पैसे दिए हैं नहीं दिए, गुड्स अब उनके हो गए, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। ऑनरशिप जिस दिन ट्रांसफर होगी, हाँ जी, आज अब इन गुड्स के हम मालिक नहीं है, अब इनके मालिक आप हैं, हमारे गोडाउन में पड़े हैं, कल कोई और हमसे गुड्स मांग लेता है, वो भी हमारे गोडाउन में ही बाय चांस पड़े हुए थे, हम उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे है ही नहीं, उसकी ऑनरशिप मिस्टर संजय के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, सेल्स इंक्लूड, फिर वही बात जैसे हमने परचेजेस में डिस्कस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ओके, तो अब आप देखिए, सेल्स डज नॉट इंक्लूड सेल ऑफ एसेट्स। अब मैंने पिछले परचेज में भी एक एग्जांपल लिया था कि हमारी एक मशीनरी हमको बहुत परेशान कर रही थी, तो हमने एक नई खरीद ली थी, तो जब हमने नई खरीद ली थी तो वो क्या आ जाएगी, वो किसमें चली जाएगी, वो परचेज ऑफ एसेट, वो सब। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी वो मशीनरी जो हमको बहुत परेशान कर रही थी, बार बार उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा आ रहा था, उसको रखने में अब हमको कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, तो हमने उस मशीनरी को, सेकेंड हैंड मशीनरी हो चुकी है, उसको हमने सेल कर दिया, हमें नहीं रखनी, जिस भी रेट पे जा रही है बस बेच दो इसको, और ज्यादा ही खराब हो गई तो जंग डीलर ले लेगा, लोहे के भाव ले लेगा, वॉट एवर, जिस भी रेट पे गई हमने सेल कर दी। ठीक है, तो उसे हमने सेल तो कर दिया, लेकिन जब हम अपने अकाउंट्स में सेल कैलकुलेट करेंगे, इस बार की हमारी सेल कितनी है, इस ईयर की हमारी सेल कितनी है, तो उस सेल के अंदर गुड्स की सेल इंक्लूड की जाएगी, उस एसेट की सेल इंक्लूड नहीं की जाएगी।
बी वेरी क्लियर, बिल्कुल जैसा हमने परचेज में डिस्कस किया। लेकिन सेल के अंदर हम कैश सेल को भी इंक्लूड करते हैं और क्रेडिट सेल, टोटल सेल, तो आगे क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमने कोई एसेट सेल किया है तो वो मान लीजिए हमने वो मशीनरी, जैसे सपोज हमारे पास पहले 20 लाख रुपीज की मशीनरी थी, 5 लाख रुपीज की हमारी बुक्स में एक मशीनरी थी जो बेकार हो गई, उसको हमने सेल कर दिया, तो हमारी मशीनरी कितने की रह जाएंगी, 20 लाख माइनस 5 लाख, तो एसेट में से कम होगा। लेकिन लेकिन जो हमारी सेल जो इंक्लूड होगी वो हमारी सिर्फ गुड्स की होगी, ये बात हमने क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। बच्चों देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हमने बाय मिस्टेक जो मिस्टर संजय को, मिस्टर जिसको भी हम गुड्स सेल करते थे, जो भी हमसे सामान खरीदता है उसको हम गुड्स के बॉक्सेस भेजते हैं अपने गुड्स पैक करके, तो उसके साथ बाय चांस हमने गलत बॉक्स भेज दिया, हमने उनको डिफेक्टिव गुड्स भेज दिए, या हमने वो चीजें भेज दी जिसका उनका ऑर्डर ही नहीं था, तो क्या होगा, वो गुड्स वापस आ जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, वो हमारे पास, हमारे पास वापस आ गए, और उसको हम ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इन वर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न इन वर्ड, क्योंकि वो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, इन वर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक टर्म है टर्नओवर। टर्नओवर बच्चों देखिए, सेल हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, जो गुड्स हमारे ट्रांसफर होते हैं उनको भी कह सकते हैं, और जब हम पूरे ईयर की सेल को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके लिए ज्यादातर वर्ड यूज होता है टर्नओवर। ओके, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, गुड सेल हुए, तो उसके लिए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं सेल, और जब पूरे ईयर की सेल इकट्ठी हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टर्नओवर। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस बार इस टर्म के बारे में क्लास 11 में और कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि जो क्लास 11 का अकाउंट्स है दैट इज बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म है ये टर्म ज्यादा यूज होती है कंपनीज एक्ट में। स्टूडेंट्स मैं आपके एक नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में। 1956 के बाद नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्मिनोलॉजी का यूसेज 2013 एक्ट में हुआ, उससे पहले कभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड कभी यूज ही नहीं किया गया था, अकाउंट्स के बुक्स में तो बिल्कुल नहीं यूज हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बेसिकली सेल ही है, लेकिन ये कंपनीज के केस में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। क्लास 11 में आप कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ते, क्लास 12 में आप इस टर्म को यूज करेंगे, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ज्यादा डिटेल्स हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, इसमें जो भी हमारा जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है उससे जो पैसा हम अर्न करते हैं उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, वहां से जो पैसा हमें सेल करके गुड्स आता है, इसके अंदर हम जो अगर हमने कोई स्क्रैप वगैरह सेल किया तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डिस्काउंट। मैम ये मत बताओ ये हमको आता है, तो फिर पेपर में क्या लिख के आओगे, डिस्काउंट का के बारे में क्वेश्चन आ गया तो क्या ये लिख के आओगे, डिस्काउंट मतलब गिविंग डिस्काउंट, रिसीविंग डिस्काउंट, तो इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं डिस्काउंट। इसके लिए फिर मैं ये कहूंगी टेक्निकल वर्ड्स जो यूज किए जाएंगे, अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। जब ये सेलर है, ये बायर है, सेलर ने क्या किया, बायर को सेलर ने डिस्काउंट कौन दे रहा है, कौन अलाउ करेगा इसको, रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर, सेलर बायर को डिस्काउंट अलाउ करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इसका मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए आपने, आप एक रिटेलर है फॉर एग्जांपल, और आपने होलसेलर से गुड्स खरीदे, या आप होलसेलर है और आप मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहे हैं, कोई भी ले लो एग्जांपल, सपोज यू आर होलसेलर और आप मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर ने आपको एक बात क्लियर कह दी कि देखो अगर आप बल्क में गुड्स उठाओगे, आई एम एक्सप्लेनिंग ट्रेड डिस्काउंट, अगर आप बल्क में गुड्स उठाओगे लोगे, बायर को कह रहा है सेल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है, सेलर है, वो बायर को कह रहा है, खरीदने वाले को कह रहा है कि अगर आप बल्क में गुड्स उठाओगे, बल्क मतलब 2 लाख रुपीज तक के गुड्स उठाओगे तो मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा।
अगर आप 2 लाख से ऊपर की सेल करोगे तो मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो आपने फटाफट कैलकुलेशन की कि अगर मैं 2 लाख रुपीज के गुड्स खरीदता हूं तो मुझे वो 10% वो ट्रेड मुझे 10% सपोज ट्रेड डिस्काउंट है तो मुझे 2 लाख वाले गुड्स तो मुझे 10% 20,000 कम हो गया, मतलब मुझे तो 2 लाख वाले गुड्स 1,80,000 में पड़ गए। तो इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मैं 5 लाख के गुड्स खरीद लूं, आगे आपने सेल कर देने हैं, आपको जितना सस्ता परचेज करोगे आपके लिए उतना आसान है गुड्स को आगे सेल करना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपके सेल ज्यादा हो जाएगी। तो आपके लिए चीप परचेज करना बिजनेस का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस, बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आपने गुड्स कितने में परचेज किए। तो आपने जितना डिस्काउंट ले सकते हो ले लो, और लेकिन मैन्युफैक्चरर ने आपने क्या कहा, क्या होगा 2 लाख से नीचे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, 2 लाख से ऊपर आप गुड्स ले लीजिए, मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। अब आपने सोचा कि मैं 5 लाख के खरीद लेता हूं तो मुझे 10% 50,000 का डिस्काउंट, मुझे तो 5 लाख वाले गुड्स 4.5 लाख में मिल गए। तो इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ट्रेड डिस्काउंट टू मोटिवेट बायर टू परचेज इन बल्क, इसको क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैटलॉग या लिस्ट प्राइस के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है। अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, ये कब मिलता है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं। सिमिलरली व्हाट इज कैश डिस्काउंट, अब आपको मान लीजिए आपने 2 लाख के गुड्स खरीदे, चलो आपके पास जितने फंड आप उसके हिसाब से ही खरीदेंगे या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने 2 लाख के गुड्स आपको कितने में मिल गए, 10% डिस्काउंट था ट्रेड डिस्काउंट, आपने ले लिए, आपको मिल गए वो गुड्स 1,80,000 में। ओके, कितने में मिल गए, 1,80,000। अब चलते चलते आपको उसने एक बात और की, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों मैन्युफैक्चरर होलसेलर या होलसेलर रिटेलर के बीच में जो डील होती है वो ज्यादा बिजनेस क्रेडिट पे चलता है। डे टू डे बिजनेस हम लोग ग्रोसरी लेके आते हैं, हम कैश पे ज्यादातर लेके आते हैं, लेकिन जो मेन बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, क्रेडिट पे ही ज्यादा चलता है। ओके, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट के लिए, और हर सेलर चाहता है उसको पैसे जल्दी से जल्दी मिले, बिजनेस का पैसा जल्दी वापस आए, कैश पे भी हो जाता है, कैश पे सामान बिके। तो इस केस में वो आपको फिर मोटिवेट कर रहा है कि जी अगर आपने 2 लाख वाले गुड्स आपको कितने में मिल गए, 1,80,000 में, अगर आप मुझे कैश पेमेंट करते हो, सेलर बोल रहा है, तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब ये डिस्काउंट यानी कि फिर आपने हिसाब लगाया 1,80,000 उसके ऊपर 5% कितना हो गया 9,000, 1,80,000 का 5% 9,000 मतलब आपको 1,71,000 में गुड्स मिल गए। देखा बच्चों, जो गुड्स आपको 2 लाख में मिल रहे थे वो गुड्स आपको 1,71,000 मिल गए, क्योंकि आपने 2 डिस्काउंट्स अवेल कर लिए। अगर आपके पास फंड्स का अरेंजमेंट है तो आप कैश पे करो और डिस्काउंट ले लो। अगर आप कहते हो हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो, पहले चलो इसको डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो कैश डिस्काउंट टू मोटिवेट बायर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्विकली जल्दी से पेमेंट करो। अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड, जब आप पेमेंट करते हो तब आपको ये डिस्काउंट मिलता है। इसमें कुछ बच्चे को माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए मैम हमारे पास अमाउंट 50% है, ठीक है, हमारे पास 1 लाख मतलब इतना 1,71,000 कैश नहीं है, हमारे पास 80-90,000 के करीब हमारे पास अरेंजमेंट है 90,000, तो कोई बात नहीं, जितना आप कैश पे करोगे उतना, जितना आपने कहा मेरे पास 90,000 है, मैं 90,000 का पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो 90,000 का 5% आपको 4,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितनी आप पेमेंट करोगे उतने अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आगे जाके अपने न्यूमेरिकल चैप्टर में करेंगे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल वर्ड्स में बिजनेस डीलिंग इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, डील करना ट्रांजेक्शन। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टेक्निकली पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको समझ आ गया, डील करना, गुड्स परचेज कर लिए ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स सेल कर दिए ट्रांजेक्शन हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा टेक्निकल जाकर पढ़ते हैं इसको।
दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड, वो एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को चेंज कर दे उसे क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन. जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को चेंज कर दे. ओके, जैसे हमने क्या कहा, हमारी मेन बिजनेस में फाइनेंशियल पोजिशन अगर देखनी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, हाउ वी कैन डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए बिजनेस. द आंसर इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनती है बच्चों, आगे चल के आपको बताया जाएगा धीरे धीरे. और बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई जाती है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज और कैपिटल दिखाई जाती है. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक तरफ एसेट्स दूसरी तरफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है. तो ये तीनों चीजें बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो आप डिटेल में तब समझेंगे जब आप बैलेंस शीट करेंगे. तो अभी तो थोड़ा सा लेमैन मीनिंग समझा आपने. तो अगर आपकी एसेट की, लाइबिलिटी की, कैपिटल की फाइनेंशियल पोजिशन यानी ये चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज फाइनेंशियल पोजिशन चेंज हो गई. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फीचर्स, ट्रांजेक्शन के फीचर्स क्या है. परचेज ऑफ गुड्स, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, गुड्स परचेज किए ट्रांजेक्शन, गुड्स सेल किए ट्रांजेक्शन. सोशल एक्टिविटी इज नॉट अ बिजनेस. मैम आजकल COVID-19 बहुत स्प्रेडेड है, हमारे जो पापा लोग हैं या हम सब मिलकर अपने बिजनेस वहां पे बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लोगों को जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये जो है, हम ये गवर्नमेंट से फूड मिलता है और वो फूड के हम पैकेट्स बना के सकते हैं, ये सोशल एक्टिविटीज है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, अगर आपने अपने बिजनेस से, अगर आपने अपने बिजनेस से कुछ फूड कुछ भी सामान निकाल के अगर किसी की कोई हेल्प की है, चैरिटी की है, तो वो डोनेशन चैरिटी बिजनेस एक्सपेंस है, वो ट्रांजेक्शन है. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन वो होता है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी मोनिटरी वैल्यू होती है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. एफिशिएंट मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. देखिए बच्चों, हमारा एक बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर था, जिसका जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, उसका ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ था, वो हमारे बिजनेस को किसी वजह से, पर्सनल रीजन से छोड़ के जा रहे हैं. हम बहुत अपसेट हैं अब हम. लेकिन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर फ्रॉम द फर्म कांट, लेकिन इसे हम मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं, इसके जाने से हमें 30 लाख का लॉस हो गया, 20 लाख, इस तरह से मॉनेटरी टर्म्स में इस तरह की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. हो सकता है दूसरा मैनेजर उससे अच्छा आ जाए, फिलहाल हमें भी नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको मॉनेटरी टर्म में, उसके जाने का जो दुख है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये कोई ट्रांजेक्शन, उसका जाना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल समझना बहुत आसान है क्योंकि एक्सटर्नल मतलब इसमें आउटसाइड बिजनेस इन्वॉल्व है. सेलिंग गुड्स टू कस्टमर, परचेजिंग, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, ये सब क्या है, ये हमारी बाहर की पार्टी के साथ हमारी डील हो रही है तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. इंटरनल ट्रांजेक्शन को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे मुझे एक, मैं चीज फील कर रही हूँ, आप सब बिगिनर्स हैं जो मेरा ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस स्टेज पे ट्रांजेक्शन को समझना, इंटरनल ट्रांजेक्शन को समझना, इंटरनल को थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करके देखते हैं, लेकिन आगे आगे आपको समझ में आएगा. अब हमने कहा हमारे बिजनेस में मशीनरीज होती हैं, अब वो मशीनरी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टूडेंट्स यू फील दे गेट डेप्रिशिएटेड, घिस जाती है यूज करते करते. तो अब आप ये देखिए, लास्ट ईयर हमने एक मशीनरी खरीदी थी 5 लाख रुपीज की, आज की डेट में 1 साल हो गया, चल रही है, हमने उसको सेल नहीं करना, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आज की डेट में अगर हम उस मशीनरी को वैसे ही मान लो हम सेल कर देते हैं, कर नहीं रहे, सिर्फ हम सोचते हैं कि अगर हम इसको सेल करें तो क्या वो 5 लाख की सेल हो जाएगी, नहीं, वो डेप्रिशिएट हो चुकी है. वो मान लीजिए रफली हमने उसकी वैल्यू लगाई,
हमने किसी को पूछा अगर कोई खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 4,30,000 की खरीद लेगा। एक रफली हमने देखा 70,000 ये एक साल में डेप्रिशिएट हो गई है, घिस गई है। तो ये जो हमने क्या किया अपनी बुक्स में मशीनरी को, अब जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम अपनी एसेट्स में मशीनरी को 5 लाख का नहीं दिखाएंगे, उस मशीनरी को हम उसको 430 का दिखा रहे हैं रफली। इसमें रफ आइडिया सही होगा क्योंकि एक्चुअल तो तब पता चलेगा जब हम बिजनेस में जब उसको सेल करेंगे, हमने सेल तो करनी नहीं है। तो आप ये देखिए तो हमने इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, उस एसेट के ऊपर 70,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। तो वो उसने हमारी एसेट की वैल्यू को चेंज कर दिया, समझ रहे आप मेरी बात को। तो इससे क्या हुआ, मान लो मेरे पास टोटल मशीनरी 20 लाख की थी, अब उसमें से 70,000 की निकल गई है मशीनरी, डेप्रिशिएट हो गई है, मान लो 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। तो इसका मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन लगा उसने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दिया। तो एक डेप्रिसिएशन लगाना, लेकिन हम डेप्रिसिएशन में किसी बाहर वाले को कोई कैश नहीं दे के आ रहे, हमें लॉस तो हो रहा है लेकिन हम किसी को कोई पैसे नहीं दे के आ रहे, हमें पता है हमारी इतनी एसेट की वैल्यू गिर गई है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई, तो ये हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एंट्री। इसमें वेदर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड व्हेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात की तो हम ट्रांजेक्शन को जब अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को बोला जाता है बच्चों एंट्री। ये एक 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है। एंटिटी, एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल या मारुति सुजुकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी एक एंटिटी है, एलजी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एंटिटी है, ठीक है ओके। तो इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम, ये कोई नया डिफरेंट टर्म नहीं है। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, बेसिकली ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा अगला टर्म है इनसॉल्वेंट। पहले बैड डेट्स को समझाने से पहले मैं आपको इनसॉल्वेंट टर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अब देखिए आप ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दिखाया कि बहुत सारे एक पर्सन है जैक, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जैक, ये जैक का बिजनेस है और क्रेडिटर्स, और नीचे लिखा हुआ है 60 लाख रुपीज ड्यू। जैक को बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं और जैक उस बिजनेस को वाइंड अप करना बस बंद करना चाह रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर आ गए भाई बंद कर दो। जैक पैसा नहीं दे रहा था तो सब लोग कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया कि आप इस बिजनेस को सेल कर दो, बंद कर दो इस बिजनेस को। उसकी ऑक्शन हुई, नीलामी जिसको आप बोलते हो, उसकी एसेट्स, क्योंकि वो सोल ट्रेडर है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले लिया गया, उसका घर उसका ये सारा कुछ वैल्यू लगाई गई, फर्नीचर स्टॉक मशीनें जो भी था उसकी फैक्ट सब सेल करके एसेट्स 30 लाख रुपीज के उसकी ऑक्शन में 30 लाख रुपए मिले, 30 लाख रुपीज मिले, और मांगने वाले जो है वो कहते हैं जी 60 लाख रुपीज चाहिए हमें, हमारे तो 60 लाख ड्यू है पेपर्स में। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब हम इस पर्सन को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, भाई बिजनेस है नहीं चला, लॉस हो गए अब क्या कर सकते हैं। कोर्ट ने सारा इन्वेस्टिगेशन किया तो कोर्ट ने पूछा, अब बच्चों देखो जाए ये येलो ड्रेस वाली आंटी से पूछते हैं आपने कितने लेने थे जैक से, 60,000 आपको 30,000 मिलेंगे जी। कोर्ट ने देखा है टोटल सबने लेना था 60 लाख और इनका है 30 लाख का एसेट है, यानी के सिंपल वर्ड्स में 50% पेमेंट मिल सकती है। हाँ जी, तो आपके कितने थे आंटी ने कहा 60,000 तो आपको 30,000 मिलेंगे। ये ब्लू कोट वाले अंकल आपके कितने थे, मेरे तो 1 लाख थे, आपको 50,000 मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं 50 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में 50 पैसे मिलेंगे, यानी कि जितना आपको मिलना है उसका 50% मिलेगा। इन सब ने कितना लेना था 60 लाख, 50% कितना हो गया 30 लाख को एसेट्स बिक गया है और मिल जाएगा। अब देखो जैक कितना उदास है, जैक व्हाई हैज पुल्ड अ लॉन्ग फेस स्टूडेंट्स, बिकॉज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट बाय कोर्ट, बैंकरप्ट हो गया, वो इनसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। पर्सन हु इज नॉट इन द पोजिशन टू पे हिज डेट्स, ओके, तो फिर हमने क्या अनेबल टू पे हिज डेट, ठीक है। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल,
अब जैक के पास क्या है भाई, तो हिल्स पे जा, पहाड़ों पे जा, हिमालय पे जा, मेरा बिजनेस तो खत्म हो गया एक बार तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन भाई साहब को देखिए कितने एटीट्यूड में खड़े हैं। ये जैक के फ्रेंड है, ठीक है, क्यों पढ़, ये वाई सो हैप्पी, देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं एटीट्यूड क्यों। एक पूछा भाई क्या बात है, बोलते आई एम इन द पोजिशन टू पे ऑल माई डेट्स, मैंने मार्केट का जितना पैसा देना है, अगर मैं आज बिजनेस बंद कर दूं तो मैं सारा पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप बिजनेस बंद करें, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं आपकी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी कि आप अपने डेट्स पूरे क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई कोर्ट में जाने की, आपको कोई कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ही इज सॉल्वेंट। तो लेकिन मुझे आपको, जब मैं इनसॉल्वेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आइए मुझे एक टर्म बीच में हमारी मिस हुई है, बैड डेट्स। आइए हम बैड डेट्स पढ़ते हैं एक बार। चलिए यस, तो इसके लिए हमें एक स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। यस, एक और अनिल प्लीज, बैड डेट्स। अब अगर हम ये ब्लू कोट वाले अंकल के अकाउंट्स बनाते हैं इनके, ठीक है, अब इनको 1 लाख में से 50,000 मिला और 50,000 इनको नहीं मिला, जो पैसा इनको नहीं मिला उसको सोच के ये खुश होते हैं या दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, पर कोर्ट के ऑर्डर है, कुछ कर नहीं सकते, उसको बोलते हैं बैड। वो गुड नहीं है, जो 50 नहीं मिला वो क्या हुआ, बैड हो गया, बैड डेट्स। वो पैसा जो मेरा मिलना था, मेरे डेट्स थे, वो मेरे डूब गए, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। जो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो सकता, अमाउंट इररिकवरेबल, इररिकवरेबल जो हमें रिकवर नहीं हो सकता फ्रॉम अ डेटर, वो जो डेटर जिन्होंने हमारा पैसा देना था वो हमें नहीं दे पा रहे, जिसमें से जितना अमाउंट वो नहीं दे पा रहे, उस पैसे को बोलते हैं बैड डेट्स, एंड इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। ये बिजनेस का लॉस है। बच्चों आपके जहन में हो सकता है बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मैम ये कैसे, ये क्या हो गया। भाई देखो, बिजनेस किया है बंदे ने, कोई क्राइम नहीं किया, हो गए लॉसेस, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो हर बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। मतलब आप, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप जिसको भी गुड्स बेचते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट आपके डूबने के चांसेस रहते हैं, बैड डेट्स होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, जो पैसा हमको नहीं मिलता। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो वो बैड। तो आई होप पॉइंट्स आर, आई हैव ट्राइड ऑल माई बेस्ट टू मेक यू द क्लैरिटी ऑफ ऑल द टर्म्स। आज हमने छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस किया, तो अगर आपके कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.